बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संभावनाओं की सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार पर एनडीए में सहयोगी लोजपा ने कोरोना संकट को ढाल बनाकर हमला बोलना शुरू कर दिया है, तो वहीं महागठबंधन में महत्वपूर्ण घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीएम नीतीश के समर्थन में बोलकर साथी दलों को नजरअंदाज ना करने की इशारों में चेतावनी दे दी है। दरअसल तेजी से बदल रही बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी हो गई है, वो भी ऐसे समय में जब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पर हमला बोलते हुए खुलकर सीएम नीतीश कुमार के कोरोना को लेकर किए जा रहे कार्यों की तारीफ की है। हम प्रवक्ता ने चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि विपत्ति के समय भी राजनीति करना जायज नहीं है। दानिश का कहना है कि नीतीश कुमार कोरोना से मजबूती से लड़ रहे हैं। दानिश ने कहा, चिराग को नीतीश कुमार पर हमला बोलने की बजाय अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं जब मांझी की पार्टी के प्रवक्ता से नीतीश प्रेम को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब आया, सियासत संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कौन नहीं जानता। जाहिर है बिहार की सियासत में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। कौन सी पार्टी किस ओर जाएगी, कौन सा दल किस गठबंधन का हिस्सा बनेगा, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ी उलटफेर जरूर होने वाली है।